नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, वीडियो में आपने आगे एक फुटेज देखा है, वो फुटेज आज का नहीं कल का है और आप दूसरे वीडियो में देख चुके हैं। उसके बारे में हमने पूरी एक घटना आपको दिखा दी, लेकिन आज का ये वीडियो चलाने का मेरा मकसद जो है उसमें एक गहरा सवाल छुपा हुआ है और वही सवाल उठाने के लिए मैंने ये इतनी सी फुटेज चलाई है। आपने देखा है इस फुटेज में महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त संजय हेरवाड़े आवेश में एक महिला सुरक्षा कर्मी को धक्का देते हैं। तो इसी पर एक सवाल है कि क्या ये महिला सुरक्षा कर्मी के साथ दुर्व्यवहार नहीं है, यह सवाल है। लेकिन इस सवाल से बड़ा और भी सवाल है जो मैं यहां उठाना चाहूंगा, क्योंकि संजय हेरवाड़े ने जिस तरह से महिला सुरक्षा कर्मी को धक्का दिया तो जानबूझकर नहीं दिया और न ही उन्हें धक्का देने की उनकी मंशा थी। वो बात कर रहे थे आगरी सेना के पदाधिकारियों से, उस तूतू मेमे में वो जब बाहर निकलने लगे तो अनजाने में उनसे यह धक्का लगा। लेकिन ये घटना क्यों हुई इसकी बात करें तो इसके अंदर सबसे बड़ा सवाल जो मैं भी बोल रहा था कि इसमें बड़ा सवाल है, तो सवाल यह है वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत जब कोई आंदोलन, उपोषण या इस तरह के प्रदर्शन होते हैं तब वसई विरार महानगर पालिका महिला सुरक्षा कर्मियों को आगे करता है, जो सरासर गलत है। क्योंकि महिला सुरक्षा कर्मी के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार होने के उसमें आसार रहते हैं और कल ये हो भी चुका है। अब ये बात अलग है कि ये हुआ है महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त के हाथों, इसके लिए मामला किसी ने इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया। अगर यही आंदोलन कर्मियों के हाथों होता तो यह मामला तूल पकड़ सकता था। तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका जो महिला सुरक्षा कर्मियों को आगे करती है वो सरासर गलत है। लेकिन महानगर पालिका का यह रवैया आज से नहीं है, कई बार कई लोगों ने इसको लेकर सवाल भी उठाए हैं कि जब हम आदमी बात कर रहे हैं तो महिलाओं को क्यों आगे किया जा रहा है, ऐसे सवाल भी कई लोगों ने उठाए हैं। फिर भी महानगर पालिका गाहे बगाहे इन महिला सुरक्षा कर्मियों को आगे तैनात कर देती। कल के अग्निसेना के आंदोलन में जो पूरे राड़े में कुछ महिलाएं थी, लेकिन उन महिलाओं के सामने ये जो महिला सुरक्षा कर्मी है इनकी संख्या ज्यादा थी और अतिरिक्त आयुक्त संजय हेरवाड़े ने अपने आवेश में ये तक नहीं देखा कि मैं किसको पुश कर रहा हूं, किसको धक्का मार रहा हूं, और उन्होंने एक महिला को धक्का मार दिया। हालांकि वो महिला महानगर पालिका में कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करती है, तो शायद उसने अपने अधिकारी के लिए ऐसा बोलना ठीक नहीं समझा होगा। लेकिन मुझे इस मामले को कल ही मेरे ध्यान में संज्ञान में आया था तो मुझे लगा कि यह मामला उठाना चाहिए, क्योंकि महिला सुरक्षा का ये विषय है। इससे महिलाओं की सुरक्षा का एक, महिलाओं के सम्मान का एक बड़ा मामला यहां सामने दिखाई दे रहा है। इसके लिए मैंने आवाज उठाई है और अब उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद महानगर पालिका इसमें सुधार करेगी। कई बार महानगर पालिका में देखा गया है कि जब कोई आंदोलन उपोषण होता है तो महानगर पालिका महिला सुरक्षा कर्मियों को आगे करती है और उसी वजह से कई बार बात बनते बनते बिगड़ती भी है, क्योंकि लोग नाराज होते हैं। उनकी नाराजगी है कि आदमी जब बात करें तो सामने महिलाओं का क्या काम। तो आज के वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है हमें कमेंट में एक बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान कीजिए। यहीं पर रुकते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।